हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे चैनल इंटीरियर वुड डिजाइन में। दोस्तों आज मैं आपको फिटिंग करके दिखाऊंगा जो कि स्लाइडिंग लॉक, आप जैसे कि सामने देख पा रहे हैं स्लाइडिंग लॉक जो रहता है अपना, जैसे कि सेंट्रल जो स्लाइडिंग डोर रहता है साइड में जो लगाने वाला रह जाता है वो अलग रहता है। यहाँ पर अगर आपको दोनों डोर एक साथ में बंद करना है तो उसके लिए आपको स्लाइडिंग लॉक जो सेंट्रल लॉक रहता है वो लगाना रहता है। तो इस प्रकार से ये वाला जो लॉक है मैं इसको लगा के आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से इसको लगाया जाता है स्लाइडिंग लॉक, जैसे कि स्लाइडिंग डोर के अंदर आपको इसको लगा के प्रॉपर दिखाऊंगा। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटी को दबाएं, ऑल प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वीडियो दिखाते हैं आपको किस प्रकार से इसको फिटिंग किया जाता है। दोस्तों जैसे कि देख पा रहे हैं आप सामने हमने जैसे ही मार्किंग करके रखा हुआ है, इस प्रकार से आपको मार्किंग कर लेना है। जैसे कि जितना आपका ओवरलैप हो रहा है डोर, जैसे कि अंदर जो ओवरलैप हो रहा है उतना आपको मार्किंग कर लेना है। जितना भी एक इंची या सवा इंची जितना आपने ओवरलैप किया है उस प्रकार से आपको पहले मार्किंग कर लेना है। मार्किंग करने के बाद में जो कुछ जो लॉक है उसका भी मार्किंग आपको कर लेना है। जैसे मैं दिखा रहा हूँ इसके बाद यहाँ पे मैंने ये सेंटर जितना ओवरलैप हुआ है ये मार्किंग मैंने करके लिया हुआ पहले से। तो इस प्रकार से आपको मार्किंग कर लेना है। जितना भी ये साइज़ का मार्किंग रहेगा वो आपको ये साइड से डोर है जो फ्रंट साइड में आपको डोर रखना है वहाँ से आपको इतना जितना आपने ओवरलैप किया है उससे थोड़ा ज़्यादा आपको यहाँ पे मार्किंग करके रखना है। और जो लॉक का जो सेंटर जो जो अंदर बैठने वाला है जो चाबी का जो आपकी हॉल दिख रहे हैं वो वाला आपको खाँचा है अंदर हॉल गिराना पड़ेगा पहले। तो मैं दिखाता हूँ आपको हॉल करने के बाद में। इस प्रकार से आप इसको पहले हॉल कर दें। इस प्रकार से हॉल करने के बाद में ये जो लॉक है ये डोर के अंदर साइड अंदर की साइड से लगेगा। इसमें अलग अलग वेराइटी अलग अलग क्वालिटी की भी आती है। जैसे इस प्रकार से आपको ऐसा जो लॉक है लगाना है तो इस प्रकार से लगा सकते हैं। जैसे कि ये साइड का जो रबड़ का जो ब्लैक कलर का जो गड्ढा दिख रहा है इसको आप घुमा भी सकते हैं। अगर आपको साइज में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप उसको घुमा के भी लगा सकते हैं। इसके निकलने का भी निकाल भी सकते हैं। इसको दोनों साइड से लगता है अंदर के साइड में आप इस प्रकार से मार्किंग कर सकते हैं। जैसे कि पूरा लॉक है ये पूरा अंदर बैठ जाएगा। ये जो डोर की साइज़ की बात करूँ तो ये अपना 25 mm का डोर है, 25 mm का बोर्ड का है डोर है और दोनों साइड में सरमाई का चिपकाया हुआ है। धार पे हम लोगों ने इंगली पट्टी लगाया हुआ है इस प्रकार से। तो हम लोगों ने साइड वाला लॉक नहीं लगाया, इसको सेंटर लॉक लगाया है क्योंकि साइड में लॉक लगेगा तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे जो पट्टी है जो टी पट्टी हम लोगों ने एफ पट्टी जो लगाई है इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे ये सेंटर लॉक लगाया है। तो ये एक साथ में दोनों डोर लॉक हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये खाँचा है जो आधा इंच का जो इसका थिकनेस का जो खाँचा है वो इस प्रकार से आपको खाँचा पूरा कर लेना है दरवाजे के बैक साइड की ओर जहाँ पर आपको लॉक लगाना है। वो अंदर के साइड से पूरा अपना लेवल हो जाएगा। इससे जो दरवाजे दोनों दरवाजे आपस में टच नहीं होंगे, जैसे कि ये लॉक आपको लगेगा नहीं दोनों दरवाजे के बीच में। तो यहाँ पे दो स्क्रू दिए हुए हैं, यहाँ पे लॉक आपको प्रॉपर फिट कर देना है। इस प्रकार से फिटिंग करने के बाद में जैसे कि यहाँ पे मैंने ये लॉक जो है फिटिंग कर दिया है। तो ये सेंटर लॉक आप इस प्रकार से लगा सकते हैं। जैसे कि लगाने के बाद में देखो मैं आपको दिखाता हूँ उसको कैसे लॉक किया जाता है आगे इस वीडियो में। तो उससे ये जो खाँचा है पूरा जो दरवाज़ा रहेगा उसको टच हो जाएगा तो दरवाज़ा खुलेगा नहीं, दोनों दरवाजे एक साथ में लॉक हो जाएगा। जैसे कि सामने देख पा रहे हैं हम लोगों ने ये लगा के फिनिश कर दिया है लॉक सेंटर में। इस प्रकार से लगाया तो ये दरवाज़ा पूरा लॉक हो गया।